आने वाले 2024-25 में यहाँ पर कुंभ होने वाला है, उसकी तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों ने, जनता ने, प्रयागराज की जनता ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई जो पिछले बार का हुआ था उससे थोड़ा इस बार ज़्यादा अच्छा करेंगे, व्यवस्थाएं अच्छी करेंगे, जो कमी रह गई थी उसको ठीक करेंगे और उस पर रिव्यू होना, बातचीत होना ये शुरू हो गया, काम भी शुरू हो गया। गंगा विचार मंच ये इस सब काम में प्रशासन का नियमित रूप से सहयोग करता है, नगर निगम प्रशासन का करता है, जिला प्रशासन का करता है, जिलाधिकारी महोदय का करता है, जिला गंगा समिति का भी सहयोग करता है। आप सब मिल करके और स्वयं सेवक के तौर पर है जी, वॉलंटियर आप लोग काम करते हैं, यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता आपको, सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता इस काम के लिए, आपको आप स्वयं प्रेरणा से इस काम को कर रहे हैं। और कई लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि पैसा मिलता है आप लोगों को, इधर सफाई कर दीजिए, थोड़ा उधर सफाई कर दीजिए, यहाँ गंदा रह गया, वहाँ गंदा रह गया, तो ये बातें भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये चलता रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो अनादिकाल से ये चला आ रहा है कि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हीं के पीछे लोग लगते हैं और उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो हम सब अपनी स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं, इसलिए इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं, फोटो खिंचा रहे, वीडियो लगा रहे, फोटो खिंचाने के लिए दिखा रहे, लेकिन फोटो खिंचाना भी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये बात दुनिया के सामने कहना शुरू की तो उनकी फोटो, उनका वीडियो देश में गया, आप लोगों ने उसकी प्रेरणा देना सब जगह शुरू किया, तो उसका फोटो वीडियो गया, तब उसको देख के दूसरों ने करना शुरू किया। अगर वो फोटो वीडियो देख करके भी लोग प्रेरणा पाते हैं तो वो भी ठीक है, अच्छा है। जैसे पिक्चर फिल्म होती ना, तो फिल्म बनाने में तो एक्टर जो होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, वो तो वहाँ पे रोल करते हैं, पर कई बार वो रोल मॉडल बन जाते हैं, कई बार विलेन बनते हैं, कई बार रोल मॉडल बन जाते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचना है कि हमें अपने को रोल मॉडल कैसे बनाना है, हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए और दूसरों की बुराइयों पर ध्यान ना देते हुए अच्छा काम करते रहना। तो आप सब मिलकर के अच्छे काम में, पवित्र काम में, गंगा जी की सेवा में लगे हुए हैं। गंगा विचार मंच, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार, और इसी प्रकार से आप लोग काम करते रहिए और हम भी आपके बीच में आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आप सबका सहयोग इसी प्रकार से हम सभी को मिलता रहे और परस्पर विश्वास के साथ, परस्पर पूरकता के साथ हम लोग इस अभियान में लगे रहे। इसमें स्वच्छता भी है, केवल स्वच्छता नहीं है, लोग बोलते हैं नमामि गंगे, गंगा जी की सफाई का काम है, गंगा जी की सफाई अकेले का काम नहीं है, इसमें जो जलीय जीव जंतु हैं उनके संरक्षण का भी काम है, इसके किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके रोजगार का भी काम है, और अर्थ गंगा का जो नया काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया है कि भाई नदी के दोनों तरफ रहने वाले किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सबको रोजगार से जोड़ो, किसी न किसी रोजगार धंधा से जोड़ो और उस रोजगार को ऐसा बनाओ कि जिससे वो पैसा कमा सके, धन कमा सके। तो अर्थ गंगा की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं और अपने देश की 50% से अधिक आबादी गंगा बेसिन से जुड़ी हुई है। गंगा जी हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, गंगा बेसिन में ट्रिब्यूटरी जितनी हैं उन सब पर हम लोगों को मिलकर के काम करना है और अपने जीवन को माँ गंगा के आशीर्वाद से खुशहाली की ओर ले जाना है। तो आप सब इसी प्रकार से लगे रहेंगे, ऐसा विश्वास है। बोले गंगा मैया की।